तो हेलो एंड वेलकम गाइस, टेक्निकल है इसके चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के लिए बहुत ही कमाल की थीम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के लिए सैमसंग S20 की थीम्स के बारे में, जैसे कि आप अपने वीवो के किसी भी डिवाइस में फ्री में यूज़ कर पाओगे। तो कैसे करोगे ये, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा। तो यार, आपको वीडियो को जो स्किप नहीं करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप मेरा आने वाला वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को कर दें स्टार्ट। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं जो आपको मैं थीम्स का रिव्यू करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं थीम्स को अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यार, अप्लाई करने के बाद जो है कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी कमाल का लुक देखने को मिल जाएगा। सारा कुछ यहाँ पर चेंजेस नज़र आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके वॉलपेपर की। तो यहाँ पे वॉलपेपर आप देख सकते हैं, लाइट वॉलपेपर, कितना प्यारा वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाता है। प्लस अगर हम यहाँ पे बात करें आइकन की, तो सैमसंग वन यूआई वाले आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं। देख सकते हैं आप, किसी भी आइकन में कोई भी बक्स देखने को नहीं मिलता है। तो आइकन वगैरह यहाँ पे सारे ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और शाइनिंग भी बहुत अच्छे से मार रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बैटरी की अगर बात करें तो सैमसंग वाली आपको बैटरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। प्लस अगर बात करें हम इसके नोटिफिकेशंस पैनल की गाइज, तो यार नोटिफिकेशंस पैनल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो नोटिफिकेशंस पैनल जो है वो गाइज आपको कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही कमाल का है, ठीक है। तो यार, नोटिफिकेशंस पैनल कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है, बहुत ही अच्छा सा मुझे लग रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें शॉर्टकट सेंटर्स की, तो यार यहाँ पे आपको शॉर्टकट सेंटर्स कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जो कि कलरफुल भी है एंड लाइट भी है, ठीक है। तो दोनों ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद फ़ोन की अगर सेटिंग्स की बात करें, तो फ़ोन की जो सेटिंग्स है आपको यहाँ पे वन यूआई वाली फ़ोन की सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है। प्लस अगर बात करें इसके हम और चीज़ों के बारे में, जैसे कि इसका डायलर, तो डायलर यहाँ पे आपको काफ़ी कमाल का मिल जाता है और कुछ इस टाइप का आपको डायलर देखने को मिलता है। डायलर में कोई भी किस टाइप का बक्स नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्लस अगर बात करें इसके हम और चीज़ के बारे में, जैसे कि इसके लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन कुछ इस टाइप की मिलेगी। यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की पत्ते उड़ती हुई नज़र आने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है, जो कि सैमसंग के फ़ोन में आपको देखने को मिलती है। प्लस टाइम जो है आपको थोड़ा सा लाइट टाइप का मिलेगा, जो यहाँ पे मैनेज आपको करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर लॉक स्क्रीन की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का लुक मिल जाएगा। प्लस अगर बात करें हम इसके और चीज़ों के बारे में, तो गाइस जब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी इस थीम्स को आप यूज़ कैसे करेंगे। तो यार मैं आपको बता देता हूँ यूज़ कैसे करना है अपने वीवो के डिवाइस में। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाके थीम्स को डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के बाद में थीम्स को अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता है गाइज, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे दिया है, ठीक है। उसे देख के आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।